ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं इस वीडियो में बात करेंगे जो रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ जो है लॉन्च किया गया है नियर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो एकता नगर केवड़िया गुजरात में है उसके बारे में। इसमें जो है एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है उनकी भी उपस्थिति रही और वो भी जो है इस आयोजन में जो है सम्मिलित हुए। और इसमें पूरे के पूरे विश्व के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया है यह इनिशिएटिव के लिए। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री और खास करके भारत का जो कमिटमेंट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए या फिर पूरे के पूरे वातावरण, ठीक है, हमारा जो है ना प्राचीन हमारी सभ्यता ही ऐसी है कि जिसमें कि हम वातावरण को एक साथ लेके चलते हैं। हम नदियों, नालों, पहाड़, पेड़ पौधों सबकी जो है हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। तो वो एक माध्यम है कि जिससे हम प्राकृतिक के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसे कंजर्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो भारत का कमिटमेंट है ग्रीन एनर्जी को लेकर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी को लेकर और खास करके वातावरण का संरक्षण और संवर्धन को लेकर। तो उसी कमिटमेंट को यह दोहराता है। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी जो इन तमाम जो लक्ष्य हैं, जी कह सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है 2030 तक अचीव करना है या पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो लक्ष्य हैं, ठीक है, उन तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी था कि ऐसे ऐसे कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया जाए। उसी में जो है मिशन लाइफ की यहाँ बात कही गई है, ठीक है। तो पूरे के पूरे कह सकते हैं इसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल जो कह सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने भी जो है भारत की और खास करके मोदी जी की है प्रशंसा की है, ठीक है। तो गुटेरेस का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं एंसेस्ट्रल कनेक्शन भी रहा है गोवा में। उनकी फैमिली और उनका बैकग्राउंड कह सकते हो कि अगर मतलब एक उनकी लाइफ पार्टनर जो है कहा जाता है कि वो गोवा से बिलोंग करती हैं, तो बार बार वो आते जाते रहते थे। तो इंडिया से उनका जो है कह सकते हो कि एक प्रकार से पुराना लगाव रहा है निजी संबंधों के बारे में अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये बात हो गई। और क्लाइमेट चेंज को लेकर है ना कि क्लाइमेट चेंज गोज बियॉन्ड जस्ट पॉलिसी मेकिंग। देखो क्लाइमेट चेंज स्वाभाविक सी बात है कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ रहा है, चाहे खेती हो या फिर आप देखोगे क्लाउड ब्रस्ट वगैरह हो, साइक्लोन हो, इसका इंटेंसिटी बढ़ जाना हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना हो, या फिर हिमालयन स्टेट में क्लाउड ब्रस्ट की सिचुएशन हो, कहीं फ्लड आ जाना हो, कहीं ड्राउट आ जाना हो, टेम्परेचर इंक्रीज होना हो, ठीक है, उसके बाद फिर राइजिंग सी लेवल हो, तो ये सब सारी जो समस्याएं हैं इससे पूरे विश्व जूझ रहा है और इससे सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। तो इसी में यही कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज जो है उससे निपटने के लिए सिर्फ पॉलिसी ही बना देना सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि ग्राउंड लेवल पे हमें उतर कर जो है काम भी करना होगा, ठीक है। अगेन मिशन लाइफ बात कही गई कि मेक द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक, और ये जो फाइट है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इसे डेमोक्रेटिक बनाना है, इसे पूरे के पूरे लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं कि सबकी एक जिम्मेदारी होती है इस क्लाइमेट और जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए, उसके बारे में बात करते कहा गया है, ठीक है। आगे है मिशन लाइफ मेक ऑल ट्रस्टीज ऑफ द एनवायरमेंट। मिशन लाइफ एक ऐसा कह सकते हो कि मोदी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है यह मिशन के तौर पर, जिसमें कि सभी को वातावरण का एक ट्रस्टी बनाया जा रहा है कि आप इस वातावरण के ट्रस्टी हैं, आपको इसका संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रो प्लैनेट पीपल की यहाँ बात कही गई है कि किस प्रकार से लोगों को प्लैनेट से और इस पृथ्वी से जोड़ा जाए, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसी कह सकते हो कि अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि लाइफ को सस्टेन किया जा सकता है, ठीक है। प्लैनेट तो हमारे पास 8-9 है, लेकिन जीवन की जो कल्पना है वो सिर्फ इस पृथ्वी पर ही की जाती है, तो इसलिए इसे संरक्षण इसका संवर्धन जरूरी है। आगे है कि रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल की पॉलिसी जो है सभी लोग पॉपुलर जानते हैं, 3R के नाम से ये जाना भी जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात कही जा रही है कि मतलब है कि हम जो बेस्ट होता है बेस्ट से कैसे एनर्जी जनरेट करें, बेस्ट को कैसे हम जो है फिर से उसका रिसाइकल और रिड्यूस करके और फिर से उसका रीयूज करें, ठीक है। तो जिससे कि है कि सर्कुलर इकोनॉमी, जैसे एक लोहा है, लोहा अगर मतलब अब अनुपयोगी हो गया तो देखिए हम उसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, फिर उसे सड़ा, फिर उसे गलाकर जो है फिर से नए लोहे के जो है मटेरियल्स ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये सर्कुलर वे में जो है काम करता है, हम किसी चीज़ को फेंकते नहीं हैं बल्कि हम उसका सदुपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भारत की लाइफ स्टाइल रहा है, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत जो है इन तमाम जो है कह सकते हो कि प्रयत्नों को आदिकाल से जो है इसके प्रयोग कर रहे हैं। आगे है इंडिया हैज़ बिकम अ प्राइम एग्जाम्पल हाउ प्रोग्रेस एंड नेचर कैन गो हैंड इन हैंड, और इसमें भारत एक उदाहरण होगा जिसमें कैसे डेवलपमेंट भी होगा और साथ साथ जो है वातावरण भी का संरक्षण और संवर्धन भी होगा, ठीक है।
तो वेन एवर इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन हैव वर्क टुगेदर, जब भी भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ एक साथ काम करता है, न्यू वे ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड एज अ बेटर प्लेस हैव बिन फॉर्म्ड। और इसमें जो है इस विश्व को और एक अच्छा जगह बनाना है जिसमें कि पूरे के पूरे विश्व को जो है एक प्रकार से अच्छा जीवन और खास करके मनुष्यों को जितनी भी वाइल्ड लाइफ है या जो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए कह सकते हो कि इस पूरे के पूरे धरातल में इस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, मानव या कोई अन्य जीव और प्राणी भी, उनका भी संरक्षण और संवर्धन हो सके और इस विश्व को और जो है खुश में और रहने योग्य बनाया जा सके। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट समरी था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड इफ देयर वेर एनी क्वेरीज कमेंट सजेशन एडवाइस यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।